दोस्तों नमस्कार। इस छोटी वीडियो में हम समझेंगे अगस्त माह में मूली की खेती कैसे करें, कौन सी वैरायटी लें। जैसा कि आपने देखा हमने सोमानी का लिया है, अन्य वैरायटियां भी बताएंगे। ये आप खाद देख सकते हैं कि कौन कौन सी खाद हमको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है वो भी बताएंगे। उसके बाद आप ये टसले में फिटकरी देख सकते हैं। तो इस समय फिटकरी का उपयोग भी ट्रेंड में चल रहा है और फिटकरी भी कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, खाद है, तो इसका भी हम उपयोग करेंगे। कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है उसको भी हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं जो आपस में खाद को मिला करके तैयार खेत में छिड़काव करेंगे। उसके बाद हम कुड़ बनाएंगे, कुड़ में मूली लगाना है इसलिए। उसके बाद कैसे बुआई करनी है, हमको कितनी दूरी में बुआई करनी है, ये चीज़ें भी हम ज़रूर देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं शुरू से। जो आप फसल मेरा अभी देख रहे हैं यह जुलाई की बुआई है, जो मैंने जुलाई में वीडियो डाला था, शायद आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम वैरायटी की बात करें तो हमने इस वर्ष लिया है, मतलब कि इस जो महीना है अगस्त का महीना, इसमें लिया है सोमानी सीड्स, ये हमने लिया है। वैसे तो कई सारी वेराइटियाँ आती हैं, KTX का 999 आता है, प्रोजनी का PCT 925 मैंने लगाया है, श्वेतांबरी भी आता है, और आपके एरिया के अनुसार जो हाई प्रोडक्शन दे, आपके एरिया में अनुकूल हो, वह वेराइटी ले सकते हैं। अगला आता है हमारा खाद का, कौन कौन सी खाद डालें। तो बेसल डोज में हमको लगता है DAP, यूरिया, पोटास और सल्फर, तीन चीज़ें हमको लगती हैं। साथ में आप डाल सकते हैं कार्बोफ्यूरान या फिर क्लोरोपाइरीफॉस डाल सकते हैं, फोरेट डाल सकते हैं। यह किस लिए, क्योंकि दीमक की समस्या या फिर भूमि जनित जो कीट हैं उनकी समस्या ना हो, इसलिए 1 किलोग्राम आपका प्रति 10 डिसमिल में या फिर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अब खाद के बाद आप क्या डाल सकते हैं, तो मैंने लिया है इसमें फिटकरी। आप ये देख सकते हैं जो टसला है मेरा, इसमें फिटकरी है, और फिटकरी अभी के डेट में बहुत ही अच्छा कारगर है फसलों के लिए। तो फिटकरी का क्या काम है, आप देख सकते हैं। पहले बात तो फिटकरी का काम कीटनाशक के रूप में भी है, आपका फफूंदनाशक के रूप में भी है, आपके खाद एवं उर्वरक के रूप में भी है, क्षारी मिट्टी को अम्लीय भी करता है। ये हमने अलग से वीडियो में चर्चा किया है, वो वीडियो आप जा के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। दोस्तों इसको डालने से पहले सावधानी एक ये हो कि इसको चूर्ण बना लें और बेसल डोज पर ही डालें, इसका स्प्रे ना करें। इसके बाद जो हमने खाद का मिक्सचर बनाया है उसको अपने तैयार खेत पर, जो हमारा पहले से तैयार है, उस पर आप ला करके बढ़िया बराबर बिखेर दें, ताकि बराबर मात्रा में यह बिखर जाए। इसके बाद ही हमको कुड़ काटने का काम चालू करना है। कुड़ आपको कैसे काटना है, तो इस प्रकार से जैसे मैंने कल्टीवेटर के सहायता से ही काट दिया है कुड़, तो इस प्रकार से आपको कुड़ काट लेना है। आपके पास जो सुविधा उपलब्ध हो उससे आप कुड़ बराबर उसमें काट लें। दोस्तों अब मैं बात करूँ कुड़ की, तो कुड़ इसलिए हम काटते हैं क्योंकि क्या है कि बरसात है, बरसात में पानी का भराव भी हो सकता है, इसलिए हम मेड़ पर ही मूली की बुआई करेंगे। मूली की बुआई कैसे करनी है हम आगे जा करके चर्चा करेंगे। कुड़ की आपकी दूरी लगभग 1.5 फीट की होनी चाहिए, एक कुड़ से दूसरे कुड़ की दूरी। आप चूँकि वीडियो में देख पा रहे होंगे साफ साफ कि जहाँ कुड़ बना है उस कुड़ की आप दूरी अगर देखेंगे तो 1 फीट से 1.5 फीट, लगभग 1.5 फीट के आसपास है। दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं कुड़ बन के तैयार है और बुआई का काम चालू है। जो हमारा मेड़ है उसके दोनों साइड लगाए हैं और उसको ढक दिए हैं, क्योंकि जो चिड़िया है, कबूतर है, पक्षी है, ये दाने को चुग जाते हैं, इससे दिक्कत होती है। दाना आप देख सकते हैं सोमानी सीड का है, बड़ा दाना है जिसको लगाने में आसानी जाता है। अब आप दूरी देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो कुड़ के दोनों ओर लग रहा है, लगभग 4 से 5 इंच की दूरी पर दाने लग रहे हैं, और एक कुड़ से दूसरे कुड़, यानी कि एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 1.5 फीट के समथिंग है। आप दाने को देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 इंच की दूरी प्रत्येक दाने की बनी हुई है, जो कि एक सही दूरी है। अब ये हमारा पुराना है पौधा, जिसकी गुड़ाई का काम भी चालू है, 13 दिन का पौधा है, गुड़ाई का काम चालू है, कुछ गुड़ाई हो चुका है, पौधा बहुत ही अच्छा है,
शानदार है। पानी गिर दिया था तो उसमें पपड़ी हो गई है, पपड़ी के तोड़ने का काम चल रहा है। और साथ में उसमें हम जो भी खाद है गुड़ाई के वक्त, यूरिया और अपना जो हल्का मात्रा में DAP, पोटास, सल्फर, जिंक, ये सब हमने दे रखा है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी एक छोटा सा प्रयास आपको जागरूक करने का, क्योंकि हमारे यहाँ मूली की खेती सबसे अधिक होती है, इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी है, प्रैक्टिकली जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर किए हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी जानकारी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।